राज्यों से आयुष्मान भारत से जुड़ने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के सीएम को पत्र लिखकर स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से जुड़ने की अपील की। हरियाणा के रोहतक में बिजली कर्मचारियों से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मोतिहारी में थाने के पास ही बदमाशों ने एक कारोबारी के 2 बेटों पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आए चीन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के आरंग में रिहायशी इलाके में घुसे हाथियों के झुंड ने एक आदमी को कुचल दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बस के पुलिया से टकराने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वर्ल्ड कप के पहले मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स पर बने पैरा कमांडो के बलिदान बैच के लिए प्रशंसकों ने धोनी की तारीफ की। टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान और शरद कमल की जोड़ी हांगकांग ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला के वकील ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें ये कहा गया था कि महिला ने अमेरिकी अदालत से अपना केस वापस ले लिया। बिहार के बेतिया में बीजेपी की एक पूर्व विधायक के भाई की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पूर्व विधायक का भाई एक दवा की दुकान में गया, लेकिन दुकानदार उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, जिस पर पूर्व विधायक के भाई को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे पकड़कर पीटने लगा। इस दौरान दुकानदार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लगातार थप्पड़ बरसाता रहा। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। इसी बीच दुकानदार ने भी उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद उस दुकान में काम करने वाले एक आदमी ने बीच बचाव करना चाहा। तब तक पूर्व विधायक के भाई का एक साथी भी वहां पहुंच गया और उसने उसे पीछे से धक्का दे दिया। इसके बाद पूर्व विधायक के भाई के दूसरे साथी मिलकर दुकानदार पर टूट पड़े। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो लोग दुकानदार की पिटाई करते रहे। इसके बाद भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो दुकानदार को दुकान से बाहर खींच कर ले गए और उसे बुरी तरह पीटा। वहीं दुकान में काम करने वाले दूसरे लोग और दवा लेने पहुंचे ग्राहकों में किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अंदर घुसकर मुझे मारने लगा, घर से और दुकान से बाहर लेकर मुझे मार जाने की धमकी दी। इस गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और सभी आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। बताया गया कि पुलिस की छापेमारी से घबराकर पूर्व विधायक का भाई फरार हो गया। वहीं आरजेडी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सरकार में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टियां जब खुद गुंडागर्दी पर उतारू हो जाए तो काम कैसे चलेगा। लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को खारिज कर दिया। कानून अपना काम करेगा, अगर कोई दोषी व्यक्ति होगा तो सजा वो भुगतेगा। सौभाग्य की बात है कि पूर्व विधायक के भाई की गलती ने पूरी सरकार को मुसीबत में डाल दिया और विपक्ष को घेरने का मौका दे दिया। उनकी अपनी मुसीबत भी बढ़ गई, क्योंकि बिहार पुलिस उनकी तलाश में जुटी। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने कुछ अहम फैसले लिए, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6% से 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.75% करने का फैसला किया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर देश का रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को कर्ज देता है, इसलिए इसका सीधा असर लोगों के होम लोन, कार लोन और बाकी लोन पर पड़ सकता है। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक ब्याज दर में कमी कर सकते हैं, जिससे लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। आरबीआई ने लोगों को राहत देने वाले कुछ और फैसले भी लिए। बैंक ने नेफ्ट और आरटीजीएस को ग्राहकों के लिए पूरी तरह फ्री कर दिया। ये दोनों ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की तकनीक है, जिन पर अब तक बैंक अपने ग्राहकों से पैसे लिया करते थे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि एटीएम से पैसा निकालने पर लगने वाली फीस को फिर से देखा जाएगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने एटीएम से पैसा निकालने पर ली जा रही फीस को ज्यादा माना तो फीस कम करने पर विचार